नमस्कार दोस्तों, मेरे स्नेहीजन आत्मीयजन सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज शनि जयंती बट सावित्री अमावस्या है, तो इसी संबंध में कुछ चर्चा कर ली जाए। आज के दिन शनि जयंती पर बट सावित्री पर पीपल वृक्ष के मूल में जड़ में सरसों के तेल का दीपक शाम को रात को 12 बजे से पहले जलाना और शनि चालीसा का पाठ करना बहुत लाभकारी रहेगा। जिन लोगों को व्यापार में व्यवसाय में हानि हो रही है, शारीरिक कोई कष्ट है, तो आज के दिन वह यह उपाय अवश्य करें, निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा। पीपल वृक्ष की जड़ में, पीपल वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, प्रार्थना करें, शनि चालीसा का पाठ करें, ठीक है। दूसरा, आज कुछ रोग से संबंधित उपाय भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, जो कि साधारण रोजमर्रा के जीवन में आते हैं। जैसे किसी के पैर में बीमारी पड़ जाती है तो छोटा सा, लेकिन उसको तकलीफ बहुत होती है। जिसके पैर में बीमारी फटती है, वो कहावत भी है ना, जिसके पैर में बीमारी फटी वही उसका दर्द जानता है। तो उस बीमारी की शीघ्र लाभ हेतु एक छोटा सा उपाय है, औषध है, सरसों का तेल, देसी कपूर और देसी मोम। सरसों के तेल में देसी मोम को उबलते हुए उसमें डालना है 25 ग्राम सरसों के तेल में, 10 ग्राम मोम डालना है और 5 ग्राम देसी कपूर। जब तेल उबल खोलता है उस समय आपको मोम मिलाना है उसमें, और उसको जब मोम पूरी मिल जाए उसमें तेल से, उसको नीचे उतार लो आग पे से, और उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा होने दो, कुनकुना रहे जब उसमें देसी कपूर डाल दीजिएगा। इस लेप को आप सुबह और शाम को सोते समय लगा लें, सुबह आप तत्काल में उससे आपको एक ही दिन में लाभ होना शुरू हो जाएगा बीमारी का, ये उपाय, ठीक। इसके बाद दूसरी, जो आज के समय में बहुत ज्यादा लोगों के सामने आ रही बीमारी, वो है शुगर, जिसको मधुमेह बोलते हैं। तो इससे बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं है, बीमारियों से लड़ने की जरूरत है, उनका उपाय उपचार करने की जरूरत है। नहीं तो कई लोग क्या है कि बीमारी का नाम सुन के डॉक्टर के पास गए, उनने कि आपको तो शुगर हो गई बस, तो वो आधा तो वहीं पे जो शेष शरीर की ताकत है वो वहीं खत्म हो जाती डॉक्टर की सुन के। नहीं, डरना नहीं है, आपको उपाय करना है। तो आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे उपाय हैं, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि मधुमेह शुगर में आपको सदाबहार, सुना होगा आपने सदाबहार, हर श्रृंगार के फूल, 5 सदाबहार के फूल, 5 पत्ती सदाबहार की सुबह निन्ने पेट आप खाइएगा, आपको शुगर में फायदा होने लगेगा, शुगर नियंत्रित हो जाएगी। इसी प्रकार हर श्रृंगार के भी 5 फूल 5 पत्ते सुबह निन्ने पेट आप खाइए, आपकी शुगर कंट्रोल होगी और कुछ दिन में वह शुगर बिल्कुल लेवल में आ जाएगी, ठीक है। तीसरा जो है वह कुष्ठ रोग, सफेद दाग भी जिसको बोलते हैं, इसके लिए बहुत ही एक सटीक उपाय आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको सफेद दाग में एक तो जिसको हो जाता बेचारा वह बहुत परेशान, किसी को दिखा नहीं सकता, छूत की बीमारी मानने लगते लोग, जबकि ऐसा नहीं है।
उसके लिए आप उपाय करिए, हम बता रहे हैं आपको, निश्चित रूप से फायदा होगा, लाभ होगा। श्वेत, सफेद दाग जिसको बोलते हैं, श्वेत कुष्ठ, है ना। तो इसके लिए आपको बावची के दाने, नाम सुन लीजिए, बावची, गोमूत्र, गोबर का रस, जो गोबर में से निचोड़ कर निकालना पड़ता है, गोबर का रस क्या हो गई, कितनी चीज हो गई, गोमूत्र, गोबर का रस, बावची के दाने, और चौथी है निम्ब पत्र। निम्ब पत्र यानी नीम के पत्ते, इनकी मात्रा भी सुन लीजिए ध्यान से, वह 100-100 ग्राम इन चारों चीजों को लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, शायद आपको अभी तक किसी भी चैनल पर या किसी कहीं पर सुनने को नहीं मिली होगी, और मिली भी होगी तो आपने ध्यान नहीं दिया। आज आप इसको ध्यान दीजिएगा, कुष्ठ रोग से इस उपाय से निश्चित रूप से सभी लोगों को फायदा होगा, जिन जिन को यह रोग है, और यदि आपको किसी को नहीं है तो आप जिसको है उसको बताइए। इस विधि विधान चैनल के, न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको यह उपाय आगे भी बताएंगे, जो कि बहुत ही लाभकारी और तत्काल में फायदेमंद होना है, होते हैं। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक यदि आपने नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।